चलो हरी, हमारी आत्माओं के मिलन का वक्त हो रहा है। किस्मती को कुछ देख ले टाल जरूर दिया है श्री, मगर तू अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती। तेरी किस्मत में विधवा होना लिखा है श्री, और वो मैं तुझे बना के रहूंगी। तुझे हारना है श्री, तू जरूर हारेगी। श्री जो कंगना के पास नहीं, अपनी भक्ति, अपने विश्वास को सहारा बनाओ श्री, हल मिल जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी मंगला बहन, मैं हार नहीं मानूंगी। ना ही आपकी मेहनत बेकार जाएगी और ना ही मेरा विश्वास और भक्ति। जिस आत्मा को तू अपना बनाना चाहती है वो तो 7 जन्मों के लिए मेरी हो चुकी है। जिन सांसों को तुम उससे छीनना चाहती है वो तब तक नहीं रुक सकती जब तक मेरी सांसें चल रही है। हरि का शरीर और आत्मा सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे तू तो क्या कोई भी नहीं छीन सकता। सदा करत संतन बाला बाल चंद्रमा सोहत की कुंडल नाम की
अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन क्षार लगाए बस खाल बागंबर सोए छवि को देखी ना मैं मातु की हमें दुलारी वाम अंग सोहत कर त्रिशूल सोहत आप जलंधर तुम्हारा यश तुम्हारा विदित संसारा त्रिपुरा सन युद्ध मचाई तब ही कृपा करी लिख मचाई या तब ही भारी पूरा प्रतिज्ञा तार तुम्हारी दानी महत्व तम कोई नाही करत सलाही वेद मान महिमा तब गाई कथक अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उनधि मंथन के ज्वाला चरत सुरासुर भये निहाला किन दयाना रामचंद्र जब किन्हा जिनके लंग विभीषण दिन्हा सहस कमल में हो रहे नारी इन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नये जय जहनी तूने कंगन को मात दे दी है श्री पर कंगन अभी तक खत नहीं हुई मैंने हरि को बहुत चाहा और मैं बहुत चाहूंगी कंगना वापस लौटेगी श्री वापस लौटेगी मैं एक अद्वैत आत्मा हूँ और एक अद्वैत आत्मा ही रहूंगी मैं हरि को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक क्या जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती जाना नहीं चाहेगी श्री कि क्या है मेरी मौत का राज कैसे हुई मेरी मौत इतना तो समझती है ना तू अद्वैत आत्मा वो होती है जिसकी मौत प्राकृतिक ना हो जानना नहीं चाहेगी कैसे हुआ ये सब कुछ बहुत बड़ी शिव भक्त है न तू श्री लेकिन जब तुझे मेरी मौत का राज पता चलेगा ना तो तुझे ऐसा झटका पहुंचेगा कि तेरी शिव भक्ति भी तुझे संभाल नहीं पाएगी इतनी हैरान हो जाएगी तू श्री कि तेरे भगवान से तेरा विश्वास उठ जाएगा मैं वापस जरूर आऊंगी मैं वापस आऊंगी मैं वापस आऊंगी श्री मैं वापस आऊंगी मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा श्री बेटा तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है ऐसा मत कहिए माँ जी ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए श्री अपने बर्ताव पर तुम्हारी बातों पर भरोसा ना करके
हमने बहुत बड़ी गलती की, हो सके तो हमें माफ कर देना। थैंक यू श्री। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी श्री। इंडिया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है श्री। अगर कभी भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। कैसी बातें कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? श्री बेटा, तुमने ना केवल बिंदिया बल्कि हम सबको एक नया जीवन दिया है। हाँ श्री, तुमने हमें उस दुष्ट प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाई है। मर के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा उसने। कुछ हुआ था उसके साथ। ऐसा ही कह रही थी। जाना नहीं चाहेगी श्री। ये क्या है मेरी मौत का राज? कैसे हुई मेरी मौत? इतना तो समझती है ना तू? अतृप्त आत्मा वो होती है जिसकी मौत प्राकृतिक ना हो। वो एक अतृप्त आत्मा है जो प्राकृतिक मौत नहीं मरी है। लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? अरे 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 अरे, एक सब क्या है? हटो 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 हटो, जरा बाजू। हाँ, इस पे 7 दिन तक निगरानी रखनी पड़ेगी, हवा और रोशनी से बिल्कुल दूर, तब जाके इससे हमें छुटकारा मिलेगा, नहीं तो। पर निगरानी कैसी होगी मंगड़ा बहन? इसे घर ले जाके। नहीं नहीं मंगरा बेट, वो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे और बहू की जिंदगी से मुश्किल से निकली है। अब उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज मैं मेरे घर नहीं ले जाना चाहती। और नहीं ले जाओगे तब इससे मुक्ति भी नहीं पाओगी सुमति बेन। सात दिन? और एक और बात, ये राह किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन मंगड़ा बहन। माँ, मंगड़ा बहन इन सब मामलों को हमसे बेहतर समझती हैं। मुझे लगता है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। अगर इस प्रेत आत्मा से मुक्ति पाने का यही एक तरीका है तो हमें इसे आजमाना चाहिए। माँ, अब तो श्री ने भी कह दिया, अब तो मान जाइए, उस पर तो भरोसा है ना आपको? खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ श्री पर, क्या करूं, माँ हूं ना, अपने बच्चों की सलामती चाहती हूँ। सलामती चाहती हो माँ जी, तो इसे घर ले जाओ, क्योंकि जो मेरे मन में है सिर्फ श्री और हरि की भलाई नहीं है, उसमें पूरे खानदान की भलाई।
बात अगर पूरे परिवार की भलाई की है मंगड़ा बहन, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। आप इस राख को जल्द से जल्द घर ले जाइए। और मुझे भी, देख क्या है, मुझे घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। चलो भाई मेरे साथ। मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज, मेरी वजह से कितना कुछ हो गया वहां। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दीजिए। खास तौर पे जीजा जी, आप हर्षरी, तुम पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? देख, ये जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। देख मेरी बात मान, इस घर के लोग आज भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। चल घर चल। जिद मत कर श्री, अपने घर जा, अपने पति के पास जा, अपने घर वालों के पास। बड़ी बा, आपको कुछ जरूरी काम था ना? अरे हाँ भाई चलो सब जल्दी चलो घर पे। ख्याल रखना। श्री, इतना मत सोचिए। बहुत कुछ कहना चाहता हूं मैं श्री, पर समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करूं। दिल को दिल की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कुछ ना भी कहेंगे तो भी मैं आपकी सारी बातें समझ लूंगी। मुझे माफ कर पाओगी? मेहरबानी करके ऐसी बातें मत कीजिए। कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार ना ही आप, ना ही मैं और ना ही बिंदिया। अगर कोई कसूरवार था तो वो है हमारी किस्मत। हम सबके किस्मत में इन हालातों से गुजरना लिखा था, इसीलिए हम सब किसी ना किसी रिश्ते से एक दूसरे से बंधे हैं। कंगना आई थी हमारे पूरे परिवार को बिखेरने के लिए, लेकिन देखिए ना, हम सबको एक बहुत ही मजबूत डोर में बांध कर चली गई है वो। तुम्हें देखता हूं तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती श्री, बस अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम पर भरोसा न करके मैंने वो कई कीमती पल गवा दी। जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था तब मैं तुमसे अलग तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। नहीं, मेरे पति मेरे विरुद्ध कभी खड़े नहीं हुए। जो मेरे विरुद्ध खड़ा था वो तो एक कठपुतली थी जिसकी डोर कंगना के हाथों में थी। तुम्हारे शब्द मेरे जख्मों को भर नहीं सकते श्री, पश्चाताप की जिस आग में मैं जल रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने जो किया है उसकी माफी मांगने के लिए ये जन्म कम है श्री। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक जन्म तो कम पड़ेगा, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। इसलिए मैंने अपने भोलेनाथ जी से
आपको आने वाले हर जन्म के लिए मांग लिया है। वादा रहा हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने ना दूंगा खुद से जुदा। तो क्या कहा भोलेनाथ जी ने, तुम्हारी अर्जी मंजूर की उन्होंने? आप खुद ही पूछ लीजिए। सुनिए ना, घर जाने से पहले भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हमारी जिंदगी की काली अंधेरी रात खत्म हो पाई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह की शुरुआत हम उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करें। जो हुक्म मेरे आका।